नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट। इस समय सबसे बड़ी खबर जो है कि आपने अनसुनी कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्रिकेटरों के बारे में जो 10 अनसुनी कहानी है लगातार हम पेश कर रहे हैं, तो उसी को लेकर अब एक ऐसी कहानी जिसमें जो टॉप 10 बल्लेबाज हैं, जो टॉप 10 क्रिकेटर हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो उनके बारे में आज बताएंगे हम आपको कि कौन से खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इसमें कई खिलाड़ी नाम शामिल हैं, लेकिन 5 बल्लेबाज जो हैं वो हैं भारतीय टीम के। और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली होगी कि इसमें जो 5 नाम हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल वाइज। वर्ल्ड वाइड में देखा गया है कि ये जो 5 खिलाड़ी हैं लगातार ऐसे दिखे हैं, ऐसे चमके हैं, और एक खिलाड़ी तो इस समय वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए शामिल भी किया गया है। तो ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इन 10 खिलाड़ियों के नाम। नंबर 1 पर आते हैं माइक बियर्डली। जन्म 28 अप्रैल 1942, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मिडलसेक्स और इंग्लैंड की कप्तानी की। उनके पास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातोत्तर की डिग्री है। पेशेवर क्रिकेटर से अपनी सेवा निवृत्ति के बाद से उन्होंने एक लेखक और मनोविशेषक के रूप में अपना करियर बनाया है, जो ब्रिटिश मनोविशेषक सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। इमरान खान। दूसरा नंबर इमरान खान का है। इमरान खान एक पाकिस्तानी राजनेता, पूर्व क्रिकेटर, परोपकारी क्रिकेट कमेंटेटर और ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर हैं। वह शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और नमल कॉलेज मियांवली के स्थापक भी हैं। उनकी शिक्षा लाहौर के एचिसन कॉलेज और इंग्लैंड में रॉयल ग्रामर स्कूल वर्चेस्टर में हुई। 1972 में उन्होंने केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1975 में सम्मान के साथ स्नातक दर्शन शास्त्र और राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। तीसरा नंबर आता है उस विकेट कीपर का जो सबसे ज़्यादा इस समय स्टंप करके और कैच करके नंबर 1 पे बने हुए हैं। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और श्रीलंकाई राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। व्यापक रूप से दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में से एक के रूप में माना जाता है। संगा ने 1996 में आर्ट्स स्ट्रीम में अपनी उन्नत स्तर की परीक्षा दी। उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के सर्वोच्च सम्मान राइट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जो अपने वर्ष में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड के छात्र थे। अपने पिता के बाद, जो कैंडी में एक वकील हैं, उन्होंने कोलंबो विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में प्रवेश किया, लेकिन क्रिकेट टूर के कारण अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए। जो चौथा नंबर आता है वो है अनिल कुंबले। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान हैं। कुंबले ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से BE किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो अनिल कुंबले, इन्होंने एक बार पारी में 10 विकेट भी लिए थे। अनिल कुंबले एक महानतम क्रिकेटर हैं। तो इनके बाद जिनका नंबर आता है वो है 5वें क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन। इस समय रविचंद्रन अश्विन को वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए भी रखा गया है। रविचंद्रन अश्विन एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भाग लिया और BTech के साथ स्नातक किया। सूचना प्रौद्योगिकी में और संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी में समाधान के लिए काम किया। इसके अलावा बात करी जाए, 6 नंबर पर आते हैं राहुल द्रविड़। द वॉल के नाम से फेमस यह खिलाड़ी राहुल द्रविड़ एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान हैं, जिन्हें व्यापक रूप से क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट ऑफ जोसेफ बॉयज हाई स्कूल बेंगलोर में की और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेंगलोर से वाणिज्य हैं और उन्होंने वहां से डिग्री हासिल की। उन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA की पढ़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुना गया था। जॉफ लॉसन। 7th खिलाड़ी जो है जॉफ लॉसन, जेफरी फ्रांसिस लॉसन, एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं, जिन्होंने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ ऑप्टिमेस्ट्री से स्नातक किया है। सईद अनवर। 8वें ऐसे खिलाड़ी सईद अनवर काफ़ी
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं। शाहिद अनवर एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, एक सलामी बल्लेबाज और कभी कभी धीमी गति से बाएं हाथ के ऑर्थोवेस्ट गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 1989 में NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। इसके अलावा बात करी जाए तो 9वें नंबर पर जो आते हैं वो हैं जावेगल श्रीनाथ। जावेगल श्रीनाथ एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं और वर्तमान ICC मैच रेफरी हैं। उन्होंने श्री जय चामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूरू में जो स्थित है उससे इमेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा जो 10वां खिलाड़ी वो है अमय खुसरिया एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो वह बाएं हाथ के एक बल्लेबाज और धीमी गति के बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अमय खुसरिया क्रिकेट में कदम रखने से पहले एक IAS अधिकारी थे। उन्होंने भारत के लिए खेलने से पहले अपनी IAS डिग्री की हासिल करी थी। उनकी कहानी सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपके अपने सपने आपका रास्ता बनाते हैं। तो जितना भी आप क्रिकेट खेलें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास अगर अपनी डिग्री है तो उसका एक अलग रुतबा है। तो जैसा कि आपने देखा ये 10 वो खिलाड़ी हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी दक्षिण साइड के हैं, यानी दक्षिण भारत की साइड के हैं। कोई भी बल्लेबाज जो है या गेंदबाज की बात करी जाए, कोई भी इसमें भारतीय टीम का ऐसा सितारा नहीं है जो दिल्ली या मुंबई से हो। ये सारे दक्षिण साइड के बल्लेबाज हैं और या फिर कहें गेंदबाज। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो पढ़ाई को भी उतना महत्व देते हैं क्रिकेट के साथ। तो क्रिकेट के साथ साथ हमें पढ़ाई पर कितना जोर लगाना चाहिए ये देखने वाली बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के साथ।